मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं
कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं, वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं, वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं, वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में
जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में।
लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर,
यह दो मुख्य लीड रोल में हैं, इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीस बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं, इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीस बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं, इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीस बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले
किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं
कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल,
जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।
मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि
कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में
जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है, और इनकी माँ फरीदा जलाल जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में।
लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर,
यह दो मुख्य लीड रोल में हैं, इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले, अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनी बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले
किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनिल कपूर के सबसे बेहतरीन फिल्म लाडला के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यह फिल्म कब रिलीज हुई थी, कितनी कमाई की थी, लाडला फिल्म की कहानी और उसके जो किरदार हैं वह कौन कौन से लीड रोल में एक्टर्स नज़र आए थे, इस फिल्म में जिन्होंने भी काम किया है उनका क्या क्या नाम है, इस फिल्म की कमाई कितनी है, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, इन सभी के बारे में। तो उससे पहले अगर आप अनिल कपूर सर के फैंस हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं लाडला फिल्म की रिव्यू के बारे में। लाडला फिल्म 1994 की राजकुमार द्वारा निर्देशित एक हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में लीड रोल में नज़र आने वाले कलाकार श्रीदेवी और अनिल कपूर, यह दो मुख्य लीड रोल में हैं। इसी के साथ रवीना टंडन, फरीदा जलाल, शक्ति कपूर, अरुणा ईरानी, आलोक नाथ, मोहिनीश बहल और प्रेम चोपड़ा सहायक भूमिका में निभाने वाले किरदारों में से शामिल हैं। इस फिल्म की शुरुआत में दिव्या भारती को प्रमुख महिला किरदार के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें इस फिल्म को बाद में ना दिया गया। इसी के साथ हम आपको बताएं कि इस फिल्म में आपको कई अच्छे और इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि अनिल कपूर के द्वारा किरदार किया गया है और इनकी माँ फरीदा जलाल, जो कि एक विकलांग माँ का किरदार निभा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।